हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक वेपोराइज़र है जो स्टीम वेपोराइज़र है, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए आज इसी को रिपेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इसके अंदर एलिमेंट वगैरह तो कुछ होता नहीं है और बस दो पत्तियां लगी होती हैं और उसी के ज़रिए इसमें स्टीम बनती है। पानी में अगर ये पत्तियां डाल देते हैं और बिजली में इसका वायर लगा लेते हैं तो ये स्टीम बनाना शुरू कर देता है। तो देखिए, ये हमने खोल लिया है और ये इसके ये दो स्क्रू हैं जो ऊपर इस पे लगे हुए हैं, तो इनको खोल लेते हैं और ये ऊपर का कवर इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये दो पत्तियां जो लगी हुई हैं यही पानी को गर्म करती हैं और इनमें कितना रस्ट लग गया है। और अभी खोल के हम देखेंगे कि ये गर्म क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों, ये जो वाइट वाली डब्बी है इसको भी हमें खोलना पड़ेगा। यहाँ पर ये पेच लगे हुए हैं इसके, तो इसको खोल लेते हैं और फिर हमें अंदर का पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये निकल चुकी है डब्बी हमारी और देखिए ये तारें इसकी जल चुकी हैं दोस्तों। तो ये देखिए, इसी वजह से ये हमारा वेपोराइज़र, स्टीम वेपोराइज़र काम नहीं कर रहा था। तो चलिए, इसको ये पत्तियों को भी हम अच्छे से खोल कर साफ़ कर लेते हैं। तो इस पे जो ये रस्ट जमा हो जाती है और पानी गर्म होने के कारण और इस पे ये जो वाइट वाइट जम जाता है, तो इसी के कारण ये कनेक्शन इसके अंदर आ नहीं पाता है। तो देखिए, दोनों पत्तियां में कितना जंग लगा हुआ, कितना ये जमा हुआ है इसके अंदर वाइट वाइट। और ये देखिए वायर, तो इसको सब चीज़ों को हम साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इनको फिट करेंगे। देखिए इधर, तो दोस्तों ये पत्तियां हमने देखिए साफ़ कर ली हैं अच्छे से और देखिए चमकने लग गई हैं। तो अब हम इसको फिट करेंगे इसमें। तो जहां जैसे फिट थी, हम उसको उसी तरीके से फिट कर लेते हैं। देखिए, हमने ये फिट कर लिए हैं, स्क्रू वगैरह भी हमने अच्छे से साफ़ करके लगा दिए हैं इसमें। और अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जो जो चीज़ें हमने जैसे जैसे खोली थी, ये कवर हमने खोला था और ऊपर की डब्बी जो खोली थी, सब हम फिट कर लेंगे। देखिए, ये ऊपर की कनेक्शन डब्बी भी हमने लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको चेक कर लेते हैं। बाउल में जो इसका ये बाउल है, इसके अंदर हमने पानी भर लिया है और अब हम इसको इसके अंदर लगा कर और कनेक्शन देके इसको चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बोर्ड में हमने प्लग लगा लिया है और ऑन कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, अब ये स्टीम बननी शुरू हो गई है एक मिनट के बाद ही। तो ये आपको दिख रहा होगा सर, देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये स्टीम बननी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।